अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 128। और आज के सेशन में हम ड्रॉ करेंगे एक 3D स्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ हेलिक्स कमांड, और उसके अलावा स्वीप कमांड का यूज़ करेंगे 3D स्प्रिंग में। तो आज के लेसन में हम एक 3D स्प्रिंग ड्राइंग ड्रॉ करेंगे जो कि मैकेनिकल इक्विपमेंट और मैकेनिकल के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं कि आज कैसे डिज़ाइन करना है। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन किया तो सबसे पहले आप यहाँ से टॉप व्यू में आपने क्लिक करना है। टॉप व्यू में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से SW आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाएं, या फिर आप यहाँ से जो आपका व्यू बॉक्स है इसके ऊपर आप क्लिक करें, क्यूब बॉक्स के ऊपर क्लिक करें उसके होम बटन में, तो आप यहाँ से SW आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हमने जो ये हेलिक्स कमांड यूज करनी है, तो हेलिक्स कमांड के लिए आप यहां से हेलिक्स कमांड पे क्लिक करें और इसका जो फर्स्ट रेडियस है स्पेसिफाई रेडियस उसको आप 3 दें, 3 रेडियस, या टॉप रेडियस, या टॉप रेडियस भी आप इसको यहां से 3 दें। और अब यहां पे देखें नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बाय डिफॉल्ट जो पहले दिए थे वो 20 दिए थे। आप देखें यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, ट्विस्ट और नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप टर्न्स कम या ज्यादा कर सकते हो। तो उसके लिए आप टी एंटर करेंगे, नंबर ऑफ टर्न देखें यहां पे 20 दिए हैं, तो मैं इसको नंबर ऑफ टर्न देता हूं 18, एंटर। और आप इसको हाइट दे दें तो हाइट में इसको दे देता हूं 20, एंटर। तो अब देखें हमारे पास एक 3D स्प्रिंग यहां पे ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं। अब यहां पे जो काम करना है वो मैं काम ये करना चाह रहा हूं कि मैं यहां पे आर्क कमांड यूज करता हूं, आर्क एंटर करता हूं इसके टॉप व्यू में, या फिर आप यहां से इस तरह करें कि आप इसके जो है तो फ्रंट व्यू में आ जाएं, या फिर आप इसको अपने माउस के स्क्रॉल बटन को प्रेस करें, शिफ्ट के बटन को प्रेस करके आप इसको मूव करें, और थोड़ा सा आप इसको यहां से मूव करके आप आर कमांड यूज करें। ए एंटर करता हूं मैं, इस कॉर्नर से सिलेक्ट क्लिक करता हूं, यहां तक क्लिक करके देखें मैं आर कमांड एक अप्लाई कर रहा हूं। ओके, ये देखें आर कमांड यहां तक अप्लाई होगी। और अब मैं यहां से एल एंटर करता हूं, आप देखें थोड़ा सा ऊपर में से आपको ड्रॉ करके बताता हूं। देखें ये आर कमांड अप्लाई हो गया, इसको यहां से आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएं अपनी मर्जी, और यहां से इसको सिलेक्ट करके इसको इसके साथ जोड़ दें, बल्कि यहां से अपने आर कमांड लें ए एंटर। यहां पे भी आप हेलिक्स कमांड यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे आर्क ले रहा हूं और इस आर्क को मैं यहां से बल्कि एल एंटर करता हूं, यहां से यहां तक एल एंटर किया मैंने, आर्क ए एंटर। ओके, यहां तक ये काम हो गया। अब देखें यहां पे इन दोनों को अपने ज्वाइंट जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे वो भी आपको टेक्निक बताता हूं मैं। यहां से एक और आर्क ड्रॉ करता हूं, एंटर करता हूं, मैं यहां से लाइन ले लेता हूं एल एंटर, पूरी लाइन पी एल एंटर। ओके, तो अब मैं इसको यहां से देखना चाह रहा हूं, तो अब देखें ये हमारे पास आ गया। अब यहां से आपने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, जे एंटर करेंगे और इसको सिलेक्ट करता हूं लाइन को, आर को सिलेक्ट करता हूं और यहां से इस एरिया को सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करता हूं, ज्वाइन हो गया। देखें ज्वाइन हो गया यहां पे, देखें अब ज्वाइन होने के बाद यहां पे कुछ वर्टेक्स एज बने हुए आप देख सकते हैं, तो इनको खत्म करने के लिए यहां पे क्लिक करें और इस बटन पे यहां पे क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद आप यहां से रिमूव वर्टेक्स पे क्लिक करें, तो देखिए वो रिमूव हो गया वर्टेक्स का, देख सकते हैं वर्टेक्स ये हो गया रिमूव हो गया। और अब मैं यहां से इस बॉटम में भी, यहां से मैं इसको ये जो स्प्रिंग है इसको अब मैं यहां से उस साइड पे मूव करना चाह रहा हूं, तो उसको मूव करने के लिए आप यहां से भी आर्क लें, ए एंटर, ए एंटर। यहां तक आर्क मैंने ले लिया और ये आर्क तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं दोबारा यहां से आर्क लेता हूं।
अब यहाँ से आर्क लेता हूँ, ए इंटर करता हूँ इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर तक और यहाँ से यहाँ तक आर्क ले लिया मैंने, और अब यहाँ से एल इंटर करूँगा, ओरिजिन पी एल इंटर करूँगा, ओके ये लाइन भी मैंने ज़्यादा ले लिया, पी एल इंटर, ओके और इसको मैं अब यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ, जे इंटर करता हूँ, जे इंटर इस लाइन को, इस आर्क को, और यहाँ से इसको स्पेस स्पेस करता हूँ, और अब इसके भी वर्टेक्स को ख़त्म करने के लिए क्लिक करता हूँ, यहाँ से इस बटन पे क्लिक करता हूँ, और इसको यहाँ से करना है वर्टेक्स, एडिट वर्टेक्स है, कन्वर्ट टू पॉलीलाइन है, लेकिन मैं इसको क्लिक करता हूँ और रिमूव वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से इसके वर्टेक्स भी रिमूव हो गए। अब इसको स्प्रिंग की शेप में लाने के लिए मैं इसको दोबारा एस डब्ल्यू एस मैट्रिक व्यू पे क्लिक करता हूँ, ओके तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुका है। अब इसको 3D स्प्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, और इसको रेडियस देता हूँ 1, और अब मैं यहाँ से इसको स्वीप कमांड की मदद से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्पेस प्रेस करूँगा और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर कितना है, अगर आपको प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ है तो उस टाइम फिर टाइम नहीं लेगा, अदरवाइज ये टाइम लेगा। मैं दोबारा वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ, वर्टेक्स जितने ज्यादा रिमूव होंगे उतना अच्छा आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा। सी एंटर, 1 एंटर, या सी एंटर, 0.6 एंटर, स्वीप कमांड लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, स्पेस क्लिक करता हूँ, देखें हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कितना अच्छा, जितना सब अच्छा प्रोसेसर होगा उतनी जल्दी काम करेगा, और मेरे पास यहाँ पे देखिए ये थोड़ा बिजी हो गया सिस्टम, इसका मतलब ये अप्लाई हो रहा है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कमांड अप्लाई हो गई है, और यहाँ से अपने 2D वायर फ्रेम की जगह आप यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू में लेके जाएं इसको, आपको कंप्लीट नज़र आ रहा होगा स्प्रिंग बना हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये जी मैकेनिकल स्प्रिंग आज हमने ड्रॉ किया, देख सकते हैं। ओके तो आपने काम करना है कि अगर आपके पास काम नहीं कर रहा तो आपने इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स आप थोड़े कम कर दें, आप 10 या 12 कर दें, और उसके अलावा जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि आपने पाथ देने के जो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उस सर्कल का रेडियस आपने 0.6 देना है, तो इंशाल्लाह आपके पास ये फिर अप्लाई हो जाएगा, अगर आपके पास अप्लाई नहीं हो रहा तो मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि ये किस तरह अप्लाई हुआ है। अब इसके नंबर ऑफ टर्न जो है यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, तो यहाँ पे ट्विस्ट भी दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, आप यहाँ से व्यू में जाएं और इसमें आप व्यू में क्लिक करता हूँ और यहाँ से प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, देखें इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो आपने बल्कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न नहीं दे रहा क्योंकि हमने इसमें एक से ज़्यादा लाइंस और आर्क पर अप्लाई किए हैं, लेकिन आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाने के बाद आप इस पर काम करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आप शो हो जाएगा आपका जो कंट्रोल जेड करता हूँ फिर से। ओके अब मैं देखता हूँ इसको नंबर ऑफ टर्न्स, सिलेक्ट करता हूँ और इसके व्यू में जाके इसके प्रॉपर्टी में जाता हूँ,
यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न नहीं दे रहा, लेकिन आपके पास ये अप्लाई हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे काम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।